हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आप सभी की काफ़ी समय पहले से ही डिमांड थी कि नर्सिंग में, फार्मिस्ट में, ANM में, साथ ही यहाँ पर लैब टेक्नीशियन में, मेडिकल ऑफिसर में काफ़ी सारी वैकेंसियों को लेकर उम्मीदवार इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए 2025 और 2026 वर्ष के अंदर दोस्तों ANM के यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग में, साथ ही नर्सिंग के, फार्मिस्ट के कई सारे वैकेंसियों की यहाँ पर अपडेट आ चुकी है। किस जगह पर कितने पोस्ट खाली हैं और स्वास्थ्य विभाग जो है कितने पोस्टों पर वैकेंसियाँ लाने वाला है। तो यानी कि दोस्तों, अगर आप नर्सिंग की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, साथ ही फार्मिस्ट की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, या ANM के, या लैब टेक्नीशियन का, या मेडिकल ऑफिसर का, या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का दोबारा वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो आप सभी के लिए दोस्तों फिर से एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर अपडेट आ चुका है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारियों के साथ मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में चिकित्सा मंत्री भी शामिल थे और उन्होंने सारी जो है ब्यूरो वो मंगाई है कि किन जिलों पर कितने पोस्ट खाली हैं और उन जिलों पर जल्द से जल्द रिक्त भरने के लिए यहाँ पर जो है आप सभी के लिए रोस्टर क्लीयरेंस भी मिल चुका है, जिसके कारण विभाग जो है अब बहुत ही जल्द जो है पदों की संख्या का यहाँ पर जो है गठन कर वो यहाँ पर जो है चिकित्सा मंत्री को यहाँ पर फाइनल अपडेट देगी और उसके देने के बाद स्वास्थ्य विभाग को यहाँ पर जो है जल्द से जल्द उन भर्तियों की यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। तो यानी कि दोस्तों, आप सभी के लिए संविदा बेसिस पर सबसे बड़ी वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। इसका लिंक जो है आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, नर्सिंग भर्ती की हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा कि बाकी उम्मीदवारों तक भी यह इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जो उम्मीदवार अपनी तैयारी में जुड़े हुए हैं कि अभी वैकेंसियाँ आने में थोड़ा टाइम है, पर दोस्तों बिल्कुल ही आप सभी के पास समय नहीं मिलेगा। जैसे ही वैकेंसी आएंगी और सही इसकी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी, इसलिए दोस्तों अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में लग जाना है और साथ दोस्तों अपने पदों की संख्या को देखते हुए यहाँ पर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना है इन चीज़ों को लेकर। फिर दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पर मैं आप सभी को बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो महीने में, यहाँ दिए कि दो महीने में शुरू होने का 21,000 नर्सिंग और ANM की बहाली प्रक्रिया, यानी कि 21,000 यहाँ पर नर्सिंग और यहाँ पर बहाली प्रक्रिया। यानी कि दोस्तों नर्सिंग की जो अपडेट है, यानी कि जो नर्स है वो लगभग 15,000 पर और यहाँ पर जो है ANM है वो यहाँ पर 7,000 पर वैकेंसियाँ आउट करने वाला है। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाले हैं क्योंकि ANM को लेकर उम्मीदवार इंतजार कर रहे थे, साथ ही दोस्तों नर्स भर्ती को लेकर भी इंतजार कर रहे थे। तो स्टाफ नर्सिंग के उम्मीदवार और ANM के लिए सबसे बड़ी यहां पर गुड न्यूज़ निकल कर आ पा रही है, यहां पर पटना से दोस्तों, यानी कि पटना हिंदुस्तान ब्यूरो की ये अपडेट है, जिसमें कि आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसके लिए स्वास्थ्य विभाग जो है यहाँ पर जो है टीम गठन कर रहा है, एजेंसियाँ को कंडक्ट कर रहा है, उसके बाद उनकी जो है फाइनल जो है एग्जामिनेशन की नोटिस भी जारी कर दी जाएगी। तो उसी तरह से दोस्तों आप सभी के लिए, यानी कि दोस्तों दिसंबर तक तो ये आर्टिकल कहा जा रहा है, पर दिसंबर से पहले ही नर्सिंग और ANM की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इन चीज़ों को लेकर क्यों मिलेगी उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि राज्य में लगभग 21,000 नर्सिंग और ANM की बहाली प्रक्रिया दो महीनों के अंदर यहाँ पर शुरू होगी। यानी कि दोस्तों यह नोटिफिकेशन पब्लिश जो रिलीज हुआ है वो यहाँ पर रिलीज हो गया है दोस्तों 21 तारीख को। ये थोड़ी लेट अपडेट मैं आप सभी को दे पा रहा हूँ, ये 21 तारीख को रिलीज हुआ है और आप ये मानिए कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि दो महीने में प्रक्रिया शुरू होगी, पर इसकी बात को लेकर यहाँ पर जो अपडेट जो अंदर से निकल कर आ पा रही है, इसमें कहा जा रहा है कि दिसंबर के एंड तक, यानी कि दोस्तों 2024 में ही आप सभी को इसकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और उसके बाद जो है आप सभी की जो है फॉर्म फिलअप जो होगी वो लगभग 11 या 12 जनवरी 2025 से प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी यहाँ पर दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर बहाल, यहाँ पर नर्सिंग सेवाओं को नियमित से जल्द से यहाँ पर जो है कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यानी कि दोस्तों
मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो है चिकित्सा मंत्री के साथ मुलाकात हुई है, और जैसे ही यहाँ पर मीटिंग हुई है उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी मिलती है, तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि इन 15 जिलों के अंदर यहाँ पर यानी कि 15 जिलों में नर्स और ANM की यहाँ पर जो है नियुक्ति के लिए यहाँ पर जो है रोस्टर क्लियरेंस मिल जाएगा। और यहाँ पर जितने भी रिक्त पद हैं यानी कि दिसंबर के अंत तक राज्य में तकनीवी सेवक आयोग को यहाँ पर जो है मंजूरी देख सकते हैं कि तकनीकी सेवा को यहाँ पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर तकनीक सेवा आयोग यहाँ पर आयोग योग यहाँ अभ्यर्थियों के अंदर यहाँ पर जो है लेकिन चयन पर की प्रक्रिया पूरी पर किया जाएगी। इस नए नियम के अनुसार यहाँ पर आप देखते हैं कि जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है प्रतियोगिता जो परीक्षा है वो आप सभी के स्थानीयकरण के आधार पर यह अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा, जिसमें कि आप देखते हैं कि अभी जो बताया जा रहा है कि अभी स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग में यहाँ पर जो है 6,298 है और ANM के 15,000 यहाँ पर 89 रक्त पदों की अधिसूची भेजने की तैयारी की गई है। यानी कि आप देख सकते हैं कितने पदों की मंजूरी यहाँ पर भेजनी गई है। पर स्वास्थ्य विभाग के का लक्ष्य है कि अगले वर्ष 2025 या 2026 के प्रारंभ में यहाँ पर जो है चयनित नर्सिंग नियुक्ति अस्पतालों के अंदर यहाँ पर जो है किया जाएगा। और राज्य सरकार निजी नर्सिंग स्थानों के लगभग 28,000 यहाँ पर जो है नर्सिंग स्टूडेंट को प्रतियोगिता दी जाएगी, जिसमें कि बताया जा रहा है कि राज्य में लगभग यहाँ पर जो है 43% पद रिक्त है। यानी कि यहाँ पर देखते हैं कि 43% जो है रक्तविद है, वर्तमान में नर्सिंग के लगभग 43 पद रिक्त है, जिसके यहाँ पर जो है ग्रेड के अनुसार 47,000 यहाँ पर जो है दी गए हैं, जिसकी स्वीकृति अभी तक की मिली है। वर्तमान में यहाँ पर 27,300 तक की यहाँ पर रिक्त है, जिसमें कि नर्सिंग ग्रेड के अंदर 17,314 पदों की स्वीकृति मिलेगी। इसके बाद इनमें से यहाँ पर जो है 9,068 कार्यकर्ता है यहाँ पर जो है, इनमें यहाँ पर नर्सिंग ग्रेड के अंदर यहाँ पर जो है 7,646 पदों पर मिलेगी। ANM के 29,669 पदों की स्वीकृति है, पर 17,000 कार्यकर्ता हैं, जिसमें कारण 29,000 यहाँ पर जो है 669 यहाँ पर नियमित ANM की अधिकारी हैं। स्वीकृति यहाँ पर 2,110 की मिली है। वर्तमान में ANM की संख्या यहाँ पर जो है 1,133 है, और यानी कि 937 पदों पर रिक्ति मिली है। और यहाँ पर गया में यहाँ पर 1,654 स्वीकृति पद हैं, जिसमें कि 1,045 मिली है। यानी कि इन सभी जिलों के अंदर यानी कि 15 जिलों के अंदर की जो है यहाँ पर आप सभी की नोटिस बताई गई है कि किन किन जिलों पर भारी मात्रा में पद खाली हैं। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि जिनमें यहाँ पर जो है 47,000 पद खाली है उनमें 83,000 मिली हैं, और वर्तमान में 27,1300 पद हैं, जिनके कारण यहाँ पर 17,314 पदों की स्वीकृति मिली है। यानी कि आप सभी के सामने इन 15 जिलों की नोटिफिकेशन यहाँ पर आएगी। साथ ही यहाँ पर सिकरियापुर जिले में 43 पद रिक्त हैं, जिसमें कि स्वीकृति जो मिल चुकी है वो यहाँ पर जो है 43 पद की मिली है। इसी तरह से सारे पदों की यहाँ पर जो है स्वीकृति मिल चुकी है। पर मैं आप सभी को दोस्तों यहाँ पर तो आप सभी की जो नोटिफिकेशन है यानी कि स्वास्थ्य विभाग ने यहां पर इन 15 दिनों के अंदर यहां पर जो है देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि जिले में 15 दिनों के अंदर नर्सिंग और ANM की यहां पर नियुक्ति के लिए यहां पर जो है रोस्टर क्लियरेंस मिलने वाला है। यानी कि मीटिंग के अंदर रोस्टर क्लियरेंस मिलेगा, उसके बाद यहां पर जो बताया गया यानी कि आप देख सकते हैं कि यहां पर जो फाइनली जो दूसरी अपडेट जिसमें बताया जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक राज्य तकनीकी सेवा को भेज दिया जाएगा, और इसके बाद तकनीकी सेवा आयोग यहां पर जो है योग अभ्यर्थियों को यहां पर आवेदन लेकर चयन की प्रक्रिया शुरू करेगा नियमित अनुसार से प्रतियोगिता परीक्षा के स्थानीयकरण के आधार पर। दोस्तों यहां पर जो है उन सभी के आधार पर अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। और स्वास्थ्य यानी कि दोस्तों आप सभी को 15 दिनों के अंदर यहाँ पर जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस मिलेगा सारे विभाग को यहाँ पर जो है उन जिलों में यहाँ पर भेज देगा, और उन रिक्त पदों को जारी करते हुए फिर उसके बाद जो है आप सभी की नोटिफिकेशन जो है दिसंबर यानी कि 24 दिसंबर यानी कि दोस्तों 2024 के दिसंबर तक रिलीज की जाएगी। और जो अप्लाई करने की लिंक है वो आप सभी को 10 या 11 जनवरी से आप सभी के अप्लाई करने की जो लिंक है वो भी यहां पर एक्टिव कर दी जाएगी। तो जिन उम्मीदवारों को अपनी वैकेंसियों का इंतजार था, नर्सिंग के भर्ती कर्मियों का इंतजार था, ANM की भर्ती का इंतजार था, तो आप सकते हैं जिले में कितने यहाँ पर रिक्त पद खाली हैं और कितनी की स्वीकृति मिली है आने वाले साल में। यहाँ पर जो है आप सभी को बिहार के अंदर और कई राज्यों में भी आप सभी को काफ़ी लंबी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जिसकी डाटा अभी तक भेजी नहीं गई है। जितनी डाटा अभी निकल कर आई है उतनी की कैबिनेट के अंदर स्वीकृति मिल चुकी है, और इसके लिए जैसे ही क्लियरेंस मिलता है आप सभी के पदों की संख्या जो है यहाँ पर निकाल दी जाएगी। और बाकी जिलों में भी आप सभी को यहाँ पर जो है 2025 में फरवरी या मार्च में आप सभी को इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी और नई जिलों में देखने को मिल सकती है। तो अभी तक लिए अपडेट निकल कर आ रही थी जो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को शेयर किया गया। इसके रिगार्डिंग जैसे ही हमारे पास और कोई अपडेट आएगी आप सभी को जरूर शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।